हेलो बच्चों, अच्छा 1.130 और ये क्वेश्चन एक किस सेंस में बढ़िया क्वेश्चन है मैं बोलूं तो एक तरीके का अलग टाइप का क्वेश्चन है। मतलब बहुत कम क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। जनरली लोग इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो करवाते भी नहीं है क्लास व्लास में भी। पता नहीं क्यों नहीं करवाते, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली नहीं कराते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों 1.130 को एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक फोर्स है जो वेक्टर के सिंबल से डिनोट किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बोल्ड लेटर से, और ये जी भी है। इसका मतलब मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, मैं इसका मतलब आपके लिए यूं आसान कर देता हूँ। एफ इक्वल्स टू 2ay-1mg माइनस जे कैप। ये मानते हुए ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन जो है ना उसके अलोंग यूनिट वेक्टर हम जे कैप ले लेते हैं, तो क्या होगा? तो आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा इसको करने। जी के डायरेक्शन में था और जी चूंकि डाउनवर्ड होता है इसलिए मैंने माइनस साइन लगा। फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। इंक्रीमेंट ऑफ द बॉडीज पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हो जाएगा, लेकिन भैया कहाँ तक? तो बताया ओवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द एसेंट, यानी कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द हाइट ऑफ द एसेंट। एसेंट कितना गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हॉल्ड है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? जीरो। और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। दैट मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है ना बच्चों, जीरो है। यही क्लू है। डिवाइडेड बाय ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अगर वो देखे तो इस पर फोर्स लग रहा है -2ay-1mg j कैप। ठीक है। अच्छा, और ग्रेविटी फोर्स भी नीचे की ओर है तो -mg j कैप, ये नेट फोर्स है बच्चों। अच्छा चलिए, एफ नेट को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिख लेते हैं। -2ay-mg j कैप और ये आएगा +2mg j कैप, और उधर है माइनस, तो बचेगा कितना बच्चों? +mg j कैप। क्लियर। चलिए अब जरा उसका वर्कडन देखें हम लोग। ठीक है सर, इसका वर्कडन देख लेते हैं। तो वर्कडन देखने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर वाले को हमने dy कहा है बच्चों, ऊपर वाले को क्या कहा है? dy कहा है। और ऊपर वाले को अगर dy कहा है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे -2ay mg, ध्यान रखिएगा j कैप है ना, तो dy j कैप +mg j कैप डॉट dy j कैप। इसका ये है वर्क डन, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये जीरो के बराबर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, करिए जरा डॉट प्रोडक्ट लीजिए। तो j कैप डॉट j कैप तो आपको पता ही है, माइनस ही आएगा, तो कितना आएगा बच्चों? कम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ एसेंट h ले लेते हैं, है ना। क्या आया? ये आया -2ay mg। y का डेरिवेटिव, y का dy के रिलेटिव इंटीग्रेशन, y2/2, तो ये आ जाएगा h2/2। ठीक है। अच्छा, प्लस बोलो mgh बराबर बोलो जीरो। अब यहां से बच्चों ना एक बढ़िया चीज सामने आती है, या तो h बराबर जीरो। गुरुजी h बराबर जीरो क्यों आया? अरे भैया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ही यार, तो चेंज तो जीरो ही रहा ना अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो। और दूसरे एच की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1/a आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 1/a आएगी। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि 1/2 हाफ ऑफ द एसेंट, इतनी हाइट चढ़ने में टोटल वर्क कितना होगा? अब ये हमें समझना है। ठीक है, तो देख लेते हैं साहब, इसको भी देख लेते हैं। तो पहले फोर्स का वर्क निकालते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत इजी है। फोर्स देख लीजिए सिर्फ इतना है भाई, तो इसको उठा लेते हैं यहाँ से। एफ बराबर वर्क डन ही निकालते हैं, है ना, -2ay-1mg j कैप डॉट dy j कैप। कहाँ से कहाँ तक बच्चों बोलो? जीरो से स्मॉल एच तक। देखो चेक करो, यही फोर्स था ना? यही था। तो वर्क डन निकालते हैं। हाँ, एच की वैल्यू क्या है बच्चों? एच की वैल्यू है 1/2a। तो
इंटीग्रेशन किया जाए, चलिए करते हैं साहब। हाँ, तो ये हो गया माइनस टू एम जी वाई स्क्वायर बाई टू, तो 1/2 वाई स्क्वायर की वैल्यू बोलो 1/4a² ठीक है, प्लस सिर्फ एम जी आएगा, एम जी के साथ इंटीग्रेशन में क्या बचेगा बच्चों, एम जी, और 2 का मल्टीप्लाई अंदर भी है तो 2mg into 1/2a, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, w की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, ये आया माइनस एम जी अपॉन 4a, एक एक कैंसिल होना चाहिए बिल्कुल, ये ए वाई वाला एक ए रह गया तो एक ए कैंसिल हो गया, प्लस एम जी बाई ए, तो कितना आया बच्चों, ये आता है 3mg/4a, बढ़िया, चलिए एक आंसर, ठीक, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये तो बहुत आसान है, माइनस एम जी इंटू वन बाई टू, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है, तो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg/2, तो ये आंसर दूसरा है, तो ये तो बच्चा आज के क्वेश्चन का आंसर, बच्चा पार्टी इंतजार करिए अगले क्वेश्चन के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।